नमस्कार, मैं प्रियंका गातार। यूपी में अभी माहौल बहुत गर्माहट का है। वहीं 2022 के यूपी में चुनाव स्टार्ट होने वाले और हम हैं यूपी में इस समय, जहां कई किसान भी हैं और साथ में हमारे हैं हरिंदर ताऊ। तो उन्हीं से जानेंगे आखिर यूपी का जो माहौल है वो है कैसा। हरिंदर ताऊ, यूपी में माहौल इस समय बहुत गर्माहट वाला है इलेक्शन को लेकर, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कौन आ सकता है इलेक्शन को लेकर? अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर भी ना हुई है, कहाँ से गर्मा गया। 2022 में चुनाव है, सरकार की कांटे की टक्कर रहने वाली, तो आपको क्या लगता है कौन आ सकता है? कांटे की टक्कर किसकी है? बीजेपी और सपा की। बीजेपी तो खत्म है उत्तर प्रदेश में, तुम्हें किसने कह दिया कांटे की टक्कर है? आप कह रहे हैं बीजेपी खत्म है, वहीं सोशल मीडिया पे बीजेपी ही बीजेपी चल रहा है। सोशल मीडिया, स्टीम मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह। ये तो पैसे खर्च करो तेरा भी नाम आ जाएगा। इन्होंने तो कह दिया पैसे खर्च करो, आपको क्या लगता है? बात तो सही है, पैसे से ही तो इनका प्रचार हुआ था। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये कहाँ से? फ्री में प्रचार तो नहीं हुआ था, पैसे देकर के प्रचार किया था। इन्होंने कहा फ्री में प्रचार नहीं हुआ, तो उसी प्रचार से मोदी जी आए थे, योगी जी आए थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी से। तो अब फिर बीजेपी का वही चल रहा है, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी जब आ सकती थी जब किसानों की समस्या का समाधान कर देती, जब किसानों की समस्या का समाधान ही नहीं कर पाई तो फिर आगे चांस बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है, आप कहाँ से, पहले तो ये बताइए। मैं हूँ अनूप शहर से, अनूप शहर से है। तो आपको क्या लगता है बुलंदशहर में कौन आ सकता है इस समय? तो जो किसानों के हित का काम करेगा आगे या किसानों की समस्या सुनेगा वही आएगा। यूपी में पार्टी तो कई है, बीजेपी है, सपा है, कांग्रेस है, भाजपा है, तो आपको क्या लगता है? कोई सी आ जाओ, बीजेपी को नहीं आने देंगे, सारी पार्टी बीजेपी से अच्छी है। हमको उनके प्रवक्ता हैं, किसी ने किसी को दे देना है ना आपको? हाँ, वोट देंगे तो वोट तो बिना बताए दी जाती है, वोट कभी कोई बता के नहीं देता। मिथिला का एक सर्वे है, उसमें 27% लोग उत्तर प्रदेश के राकेश टिकट पे निर्भर है। हाँ। वो जिधर मोड़ेगा उधर मुड़ जाएंगे। हाँ। राकेश टिकट कहीं तो मोड़ेंगे उसको। हाँ। उसको बताएंगे कि किस पार्टी को वोट, तो बता देंगे। अभी टाइम कहाँ, चुनाव तो डिक्लेयर होंगे, अच्छा नेता आने दो, कौन कौन आ रहे हैं। इसके लिए अलग से जन्म तो नहीं लेगा नेता, क्या जो है उसी में से वोट देना। हाँ तो देखेंगे अभी कौन किसान के मुद्दे पे बात कर रहा है, वो तो अभी तक कोई भी नहीं किया। हाँ तो देखेंगे कौन गाएगा, कौन किसानों के मैनिफेस्टो को मानता है। आप कह रहे कौन मानता है, वहीं टिकैत जी टीएमसी की बात करते हैं, मायावती जी की बात करते हैं, तो क्या माना जाए? आज तक टिकैत साहब का एक पर एक वचन दिखा दो जिसमें उन्होंने टीएमसी का नाम लिया हो। वो गए बंगाल, बंगाल के मुख्यमंत्री से मिलने गए, किसानों की समस्या पे मिलने गए, तो उन्होंने कभी किसी पार्टी का नाम लिया हो तो बताओ। ये पत्रकार महोदय हमारे मुँह में माइक डाल के किसी का गलत इस्तेमाल ना करें, हमने सब बता दिया है, बताएंगे नाम भी बताएंगे, चुनाव आने दो। आ गए बीजेपी की तरफ से तो चुनाव आ गए ना यूपी के अंदर, अप्रैल से तैयारी। हाँ तो वो हमने बता दिया कि कुछ भी हो बीजेपी को वोट नहीं देगा किसान, बीजेपी को वोट नहीं देगा, नहीं उसके खिलाफ प्रचार करेगा किसान। उनकी समर्थक पार्टी उनको वोट देगा किसको? जो बीजेपी के साथ जुड़ा है उसको भी नहीं, उसको भी वोट नहीं देंगे। फिर किसको? मायावती को? दूसरों को देंगे, और है बहुत कई पार्टियां। अखिलेश जी को देंगे क्या? पार्टियों का आधा झुकाव तो अखिलेश जी की तरफ है। अब ये तो आपको पता होगा कि किसान में भी कांग्रेस के और टीएमसी के नेता आते हैं, तो देना किसको? आज भी नहीं आता, यहाँ तो सारी पार्टियों के। हमें आज भी टीएमसी के नेता आए थे। हाँ वो आए थे, जो टिकैत साहब ने दिया था लिख के वहाँ पे, जब ममता जी ने बुलाया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, जो उन्हें लिख के दिया था वो उस पर चर्चा करने आए थे और ये कहने आए थे कि हम सब लोग किसानों के साथ हैं, अपना समर्थन देने आए थे। समर्थन तो या मोदी आ जाओ हम उसका भी ले लेंगे, आओ तो सही, आता तो है नहीं, घर बैठ के बंगले में छुप के पटर पटर बोल जा, अब तो बोल भी बंद हो गया है। आओ तो समर्थन क्या देना, तीन कानून वापस लेने, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनना, वो दिल्ली की तरफ को चलेगा, हम अपने घर की तरफ को चलेंगे। अगर इलेक्शन से पहले बिल वापस होते तो क्या लगता है कि बीजेपी आ सकती है यूपी में? मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं क्या भविष्यवक्ता? वोट तो दोगे? वोट देंगे ना को हम, अरे वोट देने का मेरा अधिकार है, दूंगा। तो आप ही करोगे भविष्य? नहीं, वोट देने का मुझे अधिकार है, मैं वोट दूंगा। मैं ये कैसे बता दूंगा किसको देनी है? ये गोपनीय होती है वोट, और अगर गोपनीय नहीं है
तो जब वहाँ ठप्पा मारने जाते हो, बटन दबाने जाते हो, तो वो चारों भाई से कवर क्यों है? गोपनीय गोपनीय आप कह रहे हैं, लेकिन जब जनता को समझाएंगे तो किस तरीके से? माइक लेके समझाएंगे, पंचायतें करेंगे तभी तो समझे। जब महापंचायत करेंगे, जिले वाइज पंचायत करेंगे, विधानसभा वाइज पंचायत करेंगे, और हर गांव में पंचायत करेंगे, और एक ही चीज कहेंगे कि बस बीजेपी को वोट नहीं देना, उसको देना जो बीजेपी को हरा रहा हो। तो कहीं ना कहीं तो झुकाव होगा ना एक पार्टी की तरफ। क्यों झुकेंगे? किसान इतना कमजोर है जो ऐसे झुकता फिरेगा? किसान कमजोर नहीं है, किसान में ताकत है, सरकार बनाने की भी और सरकार उखाड़ने की भी। तो वो इसे बीजेपी को दिखाएंगे कि बनाई थी किसानों ने और मिट्टी में मिलाएगा किसान। आपको क्या लगता है, जो पिछली बार चुनाव हुए तो उसमें 15 लाख का जुमला था, राम मंदिर था, इस बार अगर आप वोट देते हैं किसी को तो क्या ऐसी चीज होगी जो आप सरकार से कहना चाहेंगे? जो किसान की बात करेगा वो प्रदेश में राज करेगा। तो क्या केवल किसान ही है, केवल खेती ही मुद्दा है, एक और मुद्दे नहीं है? विकास नहीं है क्या? विकास नहीं चाहिए आपको, केवल खेती ही चाहिए? और ये अरे मैंने कही जो किसान की बात करेगा, पढ़ते मारे बालक ना, नौकरी मारे बालकों को ना चाहिए। पूरा एजेंडा आएगा, बिल्कुल पूरा एजेंडा, उस पर किसान नेता बैठेंगे, वो उस पर निर्णय लेंगे, और जो वो निर्णय लेंगे भारत का किसान उसे फॉलो करेगा। आप किसान नेता तय करेगा कि यूपी में जीतेगा कौन? किसान नेता मुद्दे तय करेंगे जीत की, और ये बताएंगे कि भाई जब तुम्हारे पास नेता आए तो ये मांग लेना, मुद्दे तो बताएंगे।